हम बात कर रहे थे एक तरह से फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने फिर फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण किया। और जैसा हम जानते थे कि कल हमने बात की थी कि जब उसने कुछ सामाजिक और नागरिक अधिकार दिए और इसके साथ साथ जब संविधान बना फ्रांस का तो राजा का पद रखा गया, एक तरह से सम्मान उसको दिया गया, मगर राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई। राजा का पद एक तरह से संवैधानिक मुखिया के रूप में था और उससे जो मुखिया जो कहते हम कहते हैं ना कि युद्ध करने का अधिकार और फिर संधि का अधिकार उसे छीन लिए गए, एक तरह से उसकी शक्तियों को कम किया गया, उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। और इसके साथ साथ राजा एक तरह से संवैधानिक मुखिया होने के नाते सरकार बनाने का अधिकार उसको दिया गया और चुने हुए लोगों की सरकार बनेगी, उसके लिए एक मंत्रिमंडल बनेगा राजा की सहायता करने के लिए या फिर उस सरकार की सहायता करने के लिए। और इसके लिए यूनिकैमरल एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, यानी जिसे हम कहते हैं कि विधानसभा, एक सदनीय विधानसभा। जैसे हम जब बाइकैमरल की बात करते हैं तो बाइकैमरल का अर्थ होता है कि दो सदन, जैसे लोकसभा और विधानसभा, और यूनिकैमरल की बात करते हैं जैसे हरियाणा की विधानसभा, उसमें एक ही सदन है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, काफी स्टेट में है, मतलब आजकल हम बात करते हैं तो जो विधान परिषद है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर जो हमें सब है क्या क्या बेटा, होती है शायद कुछ और ही बात कर रही हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यूनिकैमरल एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनती, काउंसिल बनती है, जो मगर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं ना कि फ्रांस ने नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी, यानी ह्यूमन राइट्स की घोषणा करता है वो, मगर सबसे बड़ा वो कहते हैं ना कि फ्रांसी क्रांति जहाँ पर असफल महसूस दिखाई पड़ती है वो था जब वोट देने की बारी आती है। तो जो लोग निर्धन थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी वोट देने का जो कहते हैं ना कि आधार एक निश्चित मतलब एक धनराशि मान ली गई वो होनी चाहिए, जो गरीब है या बेरोजगार है वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई जो जैसे आजकल हम भारत की बात करते हैं तो एक जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी 18 साल से ऊपर जो भी हो जाते हैं वो चाहे उनके पास पैसे हैं नहीं है, किसी भी कास्ट रिलीजन के हो, उनको मतलब वोट देने का अधिकार होता है, इसे वैक्स सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं, यानी सबके लिए समान है एक तरह से ये। मगर फ्रांस की क्रांति यहाँ पर फेल हो जाती है तो काफी लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना जाता है। एक तरह से जो लोग वोट देने के अधिकार थे वो सक्रिय नागरिक, और जो कहते ना कि वोट देने का अधिकार जिनको नहीं था वो निष्क्रिय सर। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये अगर रूसो इसमें जीवित होता तो शायद वो इस विधानसभा या फिर संविधान सभा का सदस्य भी नहीं होता, अगर इस तरह के अधिकार पारित किए गए हैं तो। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो न्यायपालिका के बारे में, अब योग्यता के आधार पर एक तरह से न्याय व्यवस्था बनेगी, यानी योग्यता के आधार पर अब न्याय न्याय चलेगा। जो पहले पदों की खरीद फरोख्त होती थी वो बंद हो गई, और इसके साथ साथ फिर हम ये कहते हैं कि मतलब धीरे धीरे जूरी व्यवस्था की भी स्थापना कर देगी, खासकर आपराधिक मामलों में। और आपराधिक मामले वो थे जहां पर संगीन किसी के ऊपर, यानी किसी ने किसी का कत्ल हुआ है या फिर किसी ने कुछ और दिक्कत वाली बात है, तो वहां पर ये चीजें मतलब आपराधिक मामले जूरी के पास ही जाएंगे, उसको कोई एक न्यायालय एक न्यायाधीश नहीं सुनेगा। तो ये भी एक ठीक व्यवस्था थी, और एक तरह से हम भी कह सकते हैं कि उस समय यूरोप का ये प्रथम लिखित संविधान था जिसने एक तरह से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की मगर निरंकुशता के एक तरह से अंत कर दिया। फ्रांस के शासन में उन्नति को, फ्रांस के शासन में उन्नति को प्रतीक माना गया, एक तरह से द्योतक माना गया, यानी एक तरह से इस संविधान को। और
इसके साथ साथ फ्रांस के जो प्रांत थे, जो कभी 40 प्रांतों में, फ्रांस जो 40 प्रांतों में बटा हुआ था, वो 83 प्रांतों में बट गया। यानी एक तरह से प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी वो और ज्यादा बेहतर तरीके से मिल जाए, इसलिए छोटे प्रांत बनाए गए। तो ये हमें देखने को मिलता है। और फिर जब हम एक तरह से इसके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं संविधान सभा के, तो सबसे जो अच्छी बात इसकी ये थी कि इसने एक तरह से जो सामाजिक नियम बनाए, यानी दास प्रथा समाप्त की और सभी आदमियों को समान घोषित किया, और इसके साथ साथ फिर एक तरह से सामंतवाद की भी समाप्ति की घोषणा करते हैं। और फिर फ्रांस फ्रांस राष्ट्र नहीं, फ्रांसीसियों का राष्ट्र की बात करते हैं। यानी एक तरह से देश नहीं, देशवासियों के नाम से राष्ट्र बनेगा, इसकी बात करते हैं। अच्छा संविधान लिखा, मगर सबसे जो गड़बड़ जो बात रही वो ये रही कि इन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, जो एक कह सकते ना कि मतलब भाई, खासकर जो जो लोग क्रांति के लिए लड़े थे, क्रांति के लिए लड़ने वाला वो भूखा नंगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति क्रांति के लिए लड़ा था, मगर उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। अधिकतर जो किसान थे वो भी मताधिकार के अधिकार से वंचित रह गए, तो उनके हिस्से में भी कुछ महसूस, या फिर जो कारीगर थे छोटे मोटे, उनको भी मतलब वो कहते हैं कि क्रांति से अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। और सबसे बड़ी जो समस्या की बात रही, संविधान सभा ने संविधान बनाने के बाद अपने आप को एक तरह से स्थगित घोषित कर दिया, या फिर एक तरह से आपको विघटित कर दिया, उसको विघटन कर दिया उसका, और ऐसे लोगों के हाथ में शासन सौंप दिया जिसका नाम हम आगे एक साल में विधान पालिका के नाम से जानते हैं। तो एक साल उसका शासन रहता है, और उस शासन के दौरान वो कहते हैं कि जिस निष्ठा से फ्रांस का संविधान बनाया गया था, अब जो नए शासक आए हैं उनमें अंदर वो निष्ठा दिखाई नहीं पड़ती है। और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति, जब हम आगे चलकर बात करेंगे मैडम रोला की, तो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि मतलब भाई, धीरे धीरे कहते ना कि लोगों का जो मुख्य गुस्सा था वो राजतंत्र से था, मगर इसके साथ साथ अनेक प्रकार के गुट भी बन जाते हैं। जो कुछ लोग चाहते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र की एक तरह से स्थापना हो जाए, कुछ राष्ट्रवादी गुट बन जाते हैं, कुछ क्रांतिकारी गुट बन जाते हैं, जिस फ्रांस फ्रांस में आतंक का राज्य भी स्थापित हो जाता है, और एक तरह से इतना अतिवाद चलता है यहाँ पर कि इस क्रांति के अगले 11 साल 10 साल के बाद फ्रांस में दोबारा से पुनः निरंकुश तंत्र स्थापित हो जाता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसी गद्दी को हथिया लेता है एक तरह से। तो हमें ये चीज मतलब एक तरह से देखने को मिलता है कि किस प्रकार से फ्रांसी क्रांति सफल तो होती है, मगर धीरे धीरे उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आने लग जाती हैं। तो अगला जो हम बात करते हैं विधानसभा की, यानी अक्टूबर 1791 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक, 1 साल का लगभग कार्यकाल रहता है। और इस साल इस दौरान एक विधान पालिका या व्यवस्था पालिका वो फ्रांस में शासन देखती है, और इसमें कई गुट बन जाते हैं, कुछ संविधानवादी गुट हैं, कुछ राजतंत्रवादी गुट हैं, और कुछ सेंटर पार्टी यानी प्लेन गुट थे, वो किसी भी दल के सदस्य के साथ नहीं थे। चौथा दल था गणतंत्रवादियों का, ये सबसे मजबूत था, क्योंकि फ्रांस में गणतंत्रीय क्रांति हुई थी एक तरह से, कहते हैं कि रिपब्लिक क्रांति बोलते हैं इसे। तो इसमें दो वर्ग बन जाते हैं, एक था जीरोंदस्त, दूसरा था जेकोबिन। जीरोंदस्त थोड़े नरम विचारों के व्यक्ति थे, और जेकोबिन वो थे जो धीरे धीरे, हम कहते हैं कि अतिवादी, कंजर्वेटिव। वो कहते हैं कि फ्रांस में क्रांति के नाम पर जितना खून खराबा जेकोबिन क्लब ने किया, शायद ही किसी दूसरे देश में ऐसा देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि भाई, जो जेकोबिन क्लब था उसके सदस्य बढ़ जाते हैं, और उनका फिर सरकार के ऊपर एक तरह से होल्ड हो जाता है। और इसमें जो सबसे जो हम देखते हैं कि विधानसभा जो नई नई बनी, यानी 2 साल तो चले गए विधानसभा, संविधान सभा के 1789 से 91 तक,
और उसके बाद फिर अगला एक साल जिसको हम विधानसभा कहते हैं, उसमें उसके सामने बहुत सारी, एक तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कुछ समस्याएं तो ये थी कि जो लुई 16 के सामने थी, यानी शासन का मुखिया था वो, और वो अभी भी कुलीन के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र कर रहा है। दूसरी कुलीन वो थे जो बास्तिल के पतन के बाद देश छोड़कर चले गए थे और बाहर जाकर दूसरे देशों में रहकर फ्रांस की क्रांति को दबाने का प्रयास कर रहे थे। तीसरी समस्या पादरियों की थी जिन्होंने संविधान के ऊपर अधिकार हस्ताक्षर नहीं किए थे, जो अभी भी रोम का जो पोप था उसके उसके एक तरह से गम कहते ना कि एक तरह से उसके प्रभाव में थे। और चौथी जो समस्या थी, विधानसभा के जो विभिन्न दल थे वो आपस में उलझे रहते थे, कोई फ्रांस को आगे बढ़ाने की तरफ या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ठीक ढंग से उनको काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा था एक तरह से। और पांचवा ये था कि भाई एक तरह से विधानसभा को जो सामाजिक धार्मिक आर्थिक सुधार करने थे, जो राष्ट्रीय सभा ने पूरे किए थे, संविधान शुरू किए थे, उनको पूरा करना था। तो बहुत सारी समस्याएं एक तरह से हम देखते हैं कि विधानसभा के पास थी। और जब धीरे धीरे उसने काम शुरू किया तो 1792 में जनवरी में 2 महीने युद्ध चलता है, जिसमें जो यूरोप के कुछ देश थे जैसे ऑस्ट्रिया जैसे देश विदेशी ताकतें मिलकर फ्रांस के ऊपर आक्रमण करती है, मगर फ्रांस जीत जाता है इस आक्रमण। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि सरसरी तौर पे हम ये जानते हैं कि एक तरह से फ्रांस अब विदेशी ताकतों से कुछ हद तक दूर हो जाता है। पादरियों को अब ये बोला गया कि जो शपथ नहीं लेंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और लुई 16 ने हालांकि इस इनकार इस कानून पर साइन करने से इनकार किया था, और विधानसभा ने के बारे में लिखता है कैटल भी कि विधानसभा भागे हुए कुलीनों और पादरियों की हार में राजतंत्र को चोट पहुंचाना चाहती थी। और विधानसभा की इस नीति से फ्रांस में राजतंत्र का पतन और गणतंत्र का एक तरह से मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यानी एक तरह से हम देखते हैं कि मतलब इस तरीके में वो थोड़ा सा वो ना कि जोरदार तरीके से उठाते हैं। एक तरह से जो सामाजिक और आर्थिक मूल्य या जो प्रोग्राम चलाए गए थे लिबरेशन के, उदारवाद के, उनको आगे बढ़ाते हैं। जो नोटों की एक समय से बहुत ज्यादा गिनती, मतलब एक तरह से प्रकाशन शुरू कर दिया था, एक तरह से छापना शुरू कर दिया था, उनकी गिनती उनकी कम करते हैं, और अनाज का जो बंटवारा है उसकी उचित व्यवस्था करते हैं ताकि सभी लोगों के पास एक तरह से व्यवस्था पहुंच जाए। और फिर विधानसभा काल में जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो रहती है कि लुई 16 की मदद करने के लिए ऑस्ट्रिया का सम्राट लियोपोल्ड आता है, और वो पर्शिया के जो शासक है फ्रेडरिक विलियम्स उससे मुलाकात करता है और फ्रांस की समस्या को यूरोप की समस्या बताता है, और यूरोप के अन्य राष्ट्रों से सहयोग करने की बात करता है, और ऑस्ट्रिया और पर्शिया फ्रांस में दोनों सशस्त्र हस्तक्षेप करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इस घोषणा से फ्रांस में एक तरह से हम कहते हैं कि मतलब सनसनी फैल जाती है, और इसे फ्रांस के मामलों का आंतरिक हस्तक्षेप माना गया, और जिरोंदिस्त ने इस घोषणा का बड़ा शानदार तरीके से उपयोग किया। अभी तक जिरोंदिस्त ये मानते थे कि मतलब भाई राजा ठीक है, मगर वो कहते हैं कि राजा ठीक नहीं है, वो पर्शिया को युद्ध के लिए भड़का रहा है, या राजतंत्र समर्थक जो लोग हैं वो फ्रांस की क्रांति को असफल करना चाहते हैं, इसलिए वो 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और लफायते को फ्रांस का मुख्य सेनापति बनाया गया। और इस युद्ध में हम कहते हैं कि मतलब भाई उनको ये लगता था कि भाई फ्रांसी सेनाओं सेनाओं की हार होती है, जिससे जनता को पूरा विश्वास हो गया कि लुई 16 राजा के साथ मिला हुआ है, यानी एक तरह से राजा क्या ऑस्ट्रिया साथ मिला हुआ है। तो क्रोधित भीड़ ने 20 जून 1792 को तुइलरी तुइलरी महल वो था जहां पर लुई 16 रहता था उस पर आक्रमण कर दिया, और जनता ने महल का दरवाजा तोड़ दिया। पादरी मुर्दाबाद, आदेशों पर हस्ताक्षर करो के नारे लगाए, और लुई 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को बुरी तरह से अपमानित किया गया,
और लुई को क्रांतिकारियों की टोपी पहनने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब घटना ऐसी होती है जिससे हम बात करते हैं कि भाई, और इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो उत्तेजित भीड़ थी, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब 10 अगस्त 1792 को विधानसभा एक विचार विमर्श करती है, और जो कैद में रखे गए थे अभी तक, एक तरह से कैदी थी क्विनरी मेल लुई 16 के साथ, तो लुई 16 को निलंबित कर देते हैं और गणतंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाने का अनिवार्य कर देते हैं, एक राष्ट्रीय सम्मेलन बनाने की घोषणा करते हैं और चुनाव करके राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन किया जाए। पेरिस कम्यून ने लुई 16 के ऊपर मुकदमा चलाया और उसे बंदी बना लिया गया और उसे टेम्पल का जो किला था वहां पर रखा गया, और 10 अगस्त 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का पतन हो गया। पेरिस कम्यून ने 11 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक शासन किया। इसमें रोबस्पियर, दांतो और मारो ये मुख्य नेता थे। रोबस्पियर के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे कि फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी बीच सितंबर हत्याकांड होता है। सितंबर हत्याकांड में यह था कि भाई ऑस्ट्रिया अगस्त सितंबर 1792 तक ऑस्ट्रिया और प्रशिया सेनाएं विजय करती पेरिस तक बढ़ जाती है। पेरिस कम्यून के जो नेता थे वो क्रांति विरोधियों को सहन करने को तैयार नहीं थे। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रांस में हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक तरफ तो विदेशी ताकतें फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर रही है, उसमें सफलता है, उनको मिलती जा रही है। दूसरी जो पेरिस कम्यून थी, पेरिस कम्यून यानी शासन करने वाली एक संस्था, अभी तक हमने जो विधानमंडल देखा था या विधानसभा देखी थी, उस विधानसभा में 4 दल थे। एक संविधानवादी थे, दूसरे प्लेन वर्ग था, एक उनमें राजतंत्र समर्थक थे, तो और चौथा जो गणतंत्रवादी थे, और गणतंत्रवादियों में भी जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो अब ये चाहते हैं कि भी धीरे धीरे एक तरह से फ्रांस में क्रांति का विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति ना बचे। तो जैकोबिन क्लब या फिर गणतंत्रवादी पेरिस कम्यून के हवाले से बहुत सारे ऐसे आदेश पारित करते हैं जो क्रांति विरोधियों को एक तरह से मारने की बात करते हैं। तो 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक भयंकर रक्तपात होता है, जिसमें हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, और इस घटना को सितंबर हत्याकांड कहते हैं। और इसके बाद हम कह सकते हैं जिरोंदिस्त और जेकोबिन के बीच भी खूनी संघर्ष आरंभ होगा, जिसमें जेकोबिन अंत में सफल होते हैं। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई जो फ्रांसी क्रांति, जो एक तरह से वो कहते हैं ना कि मतलब भाई एक तरह से जो अभी तक बिना खून खराबे के चल रही थी, अब वो समाप्त या फिर एक तरह से समाप्ति की तरफ चली जाती है। तो एक तरह से वो समाप्ति की तरफ चली जाती है, यानी अब वो एक तरह से खूनी, जिसे हम कहते सर हैं आपकी कि आवाज क्लियर नहीं है। बीच में कई बार हो जाता है, जब नेटवर्क अपने आप डाउन हो जाता है इसका, तो आवाज आ जाएगी ले तो आ गई शायद सभी के पास। तो फ्रांसी क्रांति अब रक्तपात से नहाने को तैयार, नहाने वाली हो जाती है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो एक तरह से सिंपल क्रांति हुई थी, अब क्रांति को सस्टेन करने के लिए उसको खून की होली खेलनी पड़ती है। और 20 सितंबर 1792 को वामी का युद्ध होता है, और इस वामी के युद्ध में फ्रांस की सेनाओं ने विदेशी ताकतों को पराजित कर दिया, जिससे फ्रांस का जो कहते हैं ना कि सेनाओं का आत्मबल बढ़ जाता है, और वो लोग अब इस चीज को आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो सितंबर था, यानी अक्टूबर 1791 से लेकर और सितंबर 1792 तक हमने देखा कि जो विधानसभा थी उसने शासन किया, और उसने पहले बात कही थी कि फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हमें नेशनल कन्वेंशन की घोषणा करनी चाहिए या राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा, इलेक्शन होने चाहिए। तो अगले 3 साल यानी 10 अगस्त या फिर हम कह सकते हैं कि 1792 से लेकर 1795 तक
जब तक जेकोबिन का एक तरह से वर्चस्व रहता है, नेशनल कन्वेंशन ने शासन किया। और इस शासन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि नेशनल कन्वेंशन की जो संरचना और स्वरूप, 21 सितंबर 1792 को पेरिस कम्यून ने एक तरह से सत्ता सौंप दी नेशनल कन्वेंशन को, कि उसने 20 सितंबर तक सत्ता संभाली थी। और नेशनल कन्वेंशन के बारे में कहते हैं कि फ्रांस की ये तीसरी क्रांतिकारी सभा थी। इसने 3 वर्ष शासन किया। 83 जो प्रांतों के मतदाता थे उन्हें 782 स्थानों के लिए इलेक्शन किया। और फ्रांस में मतदान का अधिकार जिनकी आयु 21 वर्ष थी उनको दे दिया गया। यानी पहली बार हम कह सकते हैं कि भाई जो फ्रांस में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया गया। सबसे अधिक जो चुने गए थे लोग दो जिरोंदिस थे, 200 थे जो गणतंत्र समर्थक थे। और इसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि भाई तीसरा जो दल था प्लेन, कभी ने जेकोबिन्स तो कभी जिरोंदिस्त अपनी तरफ आकर्षित करते थे। नेशनल कन्वेंशन में 3 विचारधाराओं के लोग थे, यानी जिसमें कभी भारी मतभेद भी रहता है, परंतु राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर ये लगभग सभी सहमत होकर निर्णय लेते हैं। तो 20 सितंबर यानी सितंबर 1792 में ही वामी के युद्ध में जब फ्रांस की सेनाओं ने विजय प्राप्त की तो उसका जश्न नेशनल कन्वेंशन में मनाया गया। अब हम देखते हैं कि नेशनल कन्वेंशन के पास क्या समस्याएं थी। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो अभी भी थी, जो बंदी बनाया गया था लुई 16, उसका क्या करना है। दूसरी जो तो फ्रांस का नए संविधान का निर्माण करना था। तीसरी ये थी कि शांति स्थापित करनी थी, जो एक तरह से सितंबर हत्याकांड के बाद खूनी जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उससे हालात खराब होते जा रहे थे। फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई सामाजिक समानता और अन्य सुधारों को जो एक तरह से संविधान सभा ने चालू किया था उन्हें पूरा आगे बढ़ाना था। और फिर फ्रांस की क्रांति के समय जो आर्थिक हालात थे वो अभी भी खराब ही थे एक तरह से, तो नेशनल कन्वेंशन को धार्मिक समस्याओं का समाधान भी करना था। गणतंत्र के जो समर्थक दल थे जैकोबिन जिरोंदिस्त, उनके बीच में बार बार से हम कहते हैं कि मतलब मतभेद थे, तो उनके बीच में एक शांति स्थापित भी करनी थी और विदेशी आक्रमण का भय भी था, उससे भी निपटना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 21 सितंबर को देश के शासक संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया, जो पहली इसकी मीटिंग थी। और 22 सितंबर को देश में गणतंत्र स्थापना की घोषणा कर दी गई, गणतंत्र स्थापना की घोषणा कर दी गई। यह घोषणा औपचारिक रूप से नहीं थी बल्कि परोक्ष रूप से थी, क्योंकि तुइलरी का जो महल था उसमें राजा को बंदी बनाकर रखा गया था। और अभी भी एक तरह से हम कहते हैं कि फ्रांस का राजा जीवित था, और ताश के पत्तों से भी हम कहते हैं कि राजा और रानी की तस्वीरें छापना बंद कर दिया गया था। और हेजन लिखता है कि इस प्रकार बिना किसी दिखावे और धूमधाम के फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती। और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करने एक तरह से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जो सम्मेलन था उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और फिर ये था कि लुई 16 के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। यानी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि भाई किस प्रकार से अगर हम कहें तो जितेंद्र सर को पॉइंट डाल दीजिए। तो लुई 16 के ऊपर मुकदमा चलाया गया, कुछ पत्रों की बात की गई, एक बक्सा मिला राष्ट्रीय सम्मेलन को, और उस पत्रों की जांच करने पर पाया गया था राजा देशद्रोही है। और क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने ऑस्ट्रिया और पर्शिया की मदद से फ्रांस में राज्य क्रांति को या फिर प्रशासनिक क्रांति को एक तरह से तोड़ने का काम किया या फिर इसको खत्म करने का काम किया है। तो लुई 16 के भविष्य को लेकर एक मतदान करवाया गया और प्रत्येक सदस्य को अपना मत बोलकर व्यक्त करना था।
361 सदस्यों ने लुई 16 को तुरंत मतदान के द्वारा मृत्युदंड देने का निर्णय दिया। 334 ने विरोध किया इसका और 26 सदस्यों ने कुछ समय बाद मृत्युदंड देने की बात कही, जबकि 28 सदस्यों ने कोई भी मत व्यक्त नहीं किया। और इस प्रकार 53 मतों की बहुलता से लुई को फांसी देने का फैसला दिया गया और 21 जनवरी 1793 को दिन निश्चित किया गया कि और 20 जनवरी की रात को राजा को अपने परिवार के साथ खाना खाने दिया गया और 21 जनवरी को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सेना का सेनापति राजा को गणतंत्र चौक पर लेकर आया। उस समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, राजा के पीछे हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी और राजा ने जब गिलोटिन के पास लाया गया, गिलोटिन एक वो थी जिसमें आदमी का सिर रखते थे ऐसे और पीछे से वो गर्दन काट देते थे, मतलब बहुत जल्दी मौत आती थी उससे, एक ये नया आविष्कार था फ्रांस का इसमें। तो जो गिलोटिन थी उसके द्वारा से राजा को लेकर आया तो उसे कांपते हो तो उसे कहा, सज्जनों मैं निर्दोष हूं, मुझ पर लगाए गए सारे अरब झूठे हैं और मेरे रक्त से फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी, मतलब मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो, यही मेरी कामना है। तो इस तरह की बात के साथ और फिर भीड़ का शोर हो रहा था, लोगों को ये सब सुनाई नहीं दिए और 10:20 पर राजा को फांसी दे दी गई। और उस समय लोग चिल्ला रहे थे बड़े जोर जोर तरीके से, लॉन्ग लिव द रिपब्लिक, लॉन्ग लिव द लिबर्टी, यानी जो गणतंत्र है वो हमेशा जीवित रहे, आजादी है वो हमेशा जीवित रहे। और लुई 16 तो गिलोटिन का पेट चढ़ा दिएगा, फ्रांस के लिए अच्छा नहीं था ये। राजा का वध का तत्कालिक परिणाम ये हुआ कि फ्रांस के एजन लिखता है इतिहास का और उस जो फ्रांस के शत्रु थे उनकी संख्या बढ़ गई और उसके प्रति घृणा और अधिक हो गई। एक तरह से जो राजतंत्र के समर्थक लोग थे वो अब नेशनल कन्वेंशन के विरोधी हो जाते हैं। भाई क्लास अभी चालू करनी है या फिर अभी आगे, या कुछ ब्रेक लोगे 5 मिनट का? हाँ पिंकी, एक बार 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं एक बार चाय पी लेता हूँ फिर शुरू करते हैं इसको, तब तक तुम भी चाय पानी पी लो कुछ, ठीक है? तो जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई जो नेशनल कन्वेंशन थी जब इसने लुई 16 को फांसी दी तो इसके बहुत सारे दुश्मन, नए दुश्मन पैदा हुए। अभी तक यूरोप के जो देश थे, जो खासकर इंग्लैंड जैसे देश, ये मानते थे कि भाई फ्रांस में एक तरह से लिबर्टी के लिए या फिर भाईचारे की स्थापना के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए क्रांति हुई है, मगर जो क्रांति ने क्रांति के मुखी यानी राजा को मुखिया को, क्योंकि इंग्लैंड में भी राजतंत्र था और जिस तरह की जब संविधान सभा ने वो कहते ना कि संविधान बनाया था तो वैसा ही पैटर्न था जैसा इंग्लैंड में था। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं इंग्लैंड में भी इस तरह की भावनाएं न फैले तो इंग्लैंड की तरफ से भी इस क्रांति का विरोध होता है। ऑस्ट्रिया भी इसका विरोध करता है, हालांकि ऑस्ट्रिया तो शुरू से ही विरोध करता था। और फिर हम देखते हैं कि जैकोबिन और जुरिंदुस, क्योंकि खासकर जो जैकोबिन लोग थे वो चाहते थे कि राजा को फांसी दी जाए, तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसमें जो छोटा पिट जिसे हम कहते हैं पिट द सोट है या फिर छोटा पिक बोल पिट यंग पिट, इसने एक तरह से अमानवीय घटना बताया और इंग्लैंड ने भी फ्रांस के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का साथ देने की बात कही और इसी के साथ फ्रांस में आतंक का राज्य की स्थापना करते हैं। और नेशनल कन्वेंशन की हम कहते हैं कि होम पॉलिसी यानी गृह नीति ऐसी थी, विद्रोह का दमन करते हैं वो लोग, जितने भी विद्रोह उसमें होते हैं खासकर लॉयंस में, मार्शलेस
बादो, तो यहां पर विद्रोह होते हैं, इनको दबाया जाता है। लुई 18th, जो लुई 16th का भाई था, वो अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, और परंतु नेशनल कन्वेंशन ने वहां पर भी जन लोगों को मौत की घाट उतार दिया। एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाती है, और इसी समय एक विधेयक आता है जिसके कहते हैं लोक सुरक्षा समिति। 21 सदस्यों वाली इस समिति को कार्यपालिका और विधानपालिका के असीमित अधिकार दिए दिए गए। हालांकि इसका काम था पब्लिक सेफ्टी, मगर इसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और जनता के ऊपर अनेक अत्याचार किए, और इस समिति को फ्रांस में जो आतंक का राज्य स्थापित हुआ था उसे आतंक के राज्य की आत्मा कहा जाता है। 12 सदस्य समिति बनाई इन लोगों ने, और एक तरह से केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। एक क्रांतिकारी न्यायालय स्थापना की जाती है, रेवोल्यूशनरी जुडिश ट्रिब्यूनल, और लॉ ऑफ सस्पेक्ट के आधार पर बहुत सारे लोगों को इस समय पर भेंट चढ़ाया गया। न्यायालयों के कार्यों पर सदस्य करते हुए सदस्य ने कहा, टिप्पणी करते हुए सदस्य ने कहा था कि कानून के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने के लिए इन न्यायालयों का निर्माण किया गया। तरह से कुछ इसने सामाजिक कार्य भी किए अच्छे, जैसे हफ्सी दास जो दासता थी उसको समाप्त कर दिया, एक तरह से निग्रो दासता को समाप्त कर दिया गया। बड़े बड़े जमींदारों की जमीनों को लेकर गरीब किसानों के अधीन बांट दी गई, और बहुत सारे लोगों की जमीनें जब्त कर ली गई, खासकर जो उद्योगपति, ये सॉरी बड़े बड़े किसान थे, या सॉरी बड़े बड़े जमींदार थे उनकी, और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। फ्रांस में मीट्रिक प्रणाली शुरू की गई, और इसके तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब भाई जो हम कहते हैं ना कि व्यापार के नए तरीके चलाए गए। शिक्षा के लिए बहुत सारे नॉर्मल स्कूल खोले गए, पॉलिटेक्निक खोली गई, यूनिवर्सिटीज खोली गई, और तकनीकी शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया। एक तरह से नया कैलेंडर शुरू किया गया, जिसे हम कहते हैं गणतंत्रीय कैलेंडर शुरू किया गया एक तरह से, और इस कैलेंडर में 30-30 दिन के 12 महीने बांटे गए, और उसे फ्रांस की 12 ऋतुओं के नाम पर उसको रखा गया, और 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। धार्मिक सुधार किए गए, वो कहते हैं कि गणतंत्र के तिरंगे में लिपटी नर्तकी की मूर्ति को तर्क की देवी बताया गया। फ्रांस में लगभग 25,000 गिरजाघर तर्क के मंदिर में बदल दिए गए। नास्तिकता एक फैशन बन गई, अब सारे धर्म में तर्क की पूजा आरंभ हो गई तरह से। और 1794 में रोबेस्पियर की पतन के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपना धर्म संबंधी जो निर्णय था उसको बदल दिया। और एक तरह से हम कह अगर न्याय की बात करते हैं तो एक संहिता यानी कोड ऑफ लॉ बनाया गया, जिसमें न्याय संबंधी जो बातें थी वो उसमें लिखी गई, और संशोधन की प्रक्रिया भी बनाई गई। और फिर हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो उत्तराधिकार का कानून भी बनाया गया, यानी पिता की संपत्ति को उसके ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर सभी पुत्रों में बांटने का प्रावधान किया गया। अब राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, केवल एक बार चुंगी लगने की बात होती है, जैसे जो फ्रांस क्रांति में स्थान स्थान पर चुंगी लगती थी। नए संविधान का निर्माण होता है, और 1793 में नए संविधान का निर्माण हो, मगर आतंकी राज्य स्थापना की वजह से ये लागू नहीं हो पाया। और नेशनल कन्वेंशन ने 1795 में देश के लिए यानी एक नए संविधान का निर्माण किया, और उसे तीसरे वर्ष का संविधान भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थर्ड थर्ड ईयर, यानी जब नेशनल कन्वेंशन तीसरे साल में थी, और इसे गणतंत्रीय संविधान कहा जाता है। और इस संविधान में जो संसद बनाई गई उसमें प्रथम सदन वृद्ध सभा यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इस सदन का सदस्य बनने के लिए कम से कम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इसे वीटो देने का अधिकार था, और किसी भी कानून को निरस्त करने का अधिकार इसके पास था। इसके बाद निम्न सदन काउंसिल ऑफ 500, इसमें 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए आपको चुनने के लिए एक तरह से, और
प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों के एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते थे, यानी नए लोग आ जाते थे। अब दोनों सदनों को देश के लिए कानून बनाने और पड़ताल करने के कार्य सौंपा गया और कार्यपालिका की शक्ति निदेशक मंडल डायरेक्टरी, इसके डायरेक्टरी के 5 सदस्य होते थे, इसको सौंप दिया गया और डायरेक्टरी के 5 सदस्यों का चुनाव 500 सदन में से 50 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। यानी थोड़े से पेचीदा कर दिया इन्होंने, मगर डायरेक्टरी को ही आगे फेल करके नेपोलियन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र की स्थापना करता है, प्रिमिरों की स्थापना करता है। तो नेशनल कन्वेंशन की नीतियां थी, जो हम देख सकते हैं कि फ्रांस की हार की बात भी करते हैं, फ्रांस गठबंधन की तैयारी की भी बात करते हैं ये लोग, और धीरे धीरे फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई फ्रांस, वो कहते हैं कि फ्रांस लुई XVI को फांसी देने के बाद इस तरह से आज एक ऐसे, वो कहते हैं ना कि देख से ऐसे दौर में चला जाता है जहां पर दाते कहता है, क्रांतिकारी जो नेता था, क्रांति दो पार्टों के बीच में आ जाती है, घर में भी शत्रु और सीमा में भी शत्रु। मगर आतंकी राज्य के द्वारा जो कहते हैं ना कि सो कॉल्ड जो एनिमी ऑफ स्टेट थे उनको काफी हद तक मारा गया और जैकोबिन दल ने 31 मई 1793 को क्रांति को बचाने के लिए नेशनल कन्वेंशन पर अधिकार कर लिया। जैकोबिन हिंसा में विश्वास रखते थे और इसलिए उन्होंने आतंक राज्य स्थापित किया। इस दल में दाते, रोबस्पियर, सेंट जेस्ट और कार्नोट जैसे लोग थे जिन्होंने इस समय, यानी जो 3 साल का जो शासन था उस समय, एक तरह से शक्तिशाली सरकार बनाई और इस शक्तिशाली सरकार ने, वो कह सकते हैं कि मतलब भाई धीरे धीरे फ्रांस को इस दौरान या फिर इस घटना से बाहर लेकर आता है। तो ये एक तरह से नेशनल कन्वेंशन के ऊपर था।